हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट एडी पर। तो क्लास आप सभी के लिए रेडी है और आज किस क्लास में चैप्टर नंबर सेकेंड से पार्ट नंबर टू होगा। इससे पहले हमने आपको चैप्टर नंबर सेकेंड का पार्ट नंबर वन दिया था, अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इस पूरी सीरीज में टोटल टॉप 500 एमसीक्यूज कराएंगे, तो आप किसी भी पार्ट को यहाँ पर मिस मत करना। सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको चैप्टर वाइज कराएंगे, चैप्टर वन से लेकर चैप्टर नाइन तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम यहाँ पर आपको कराएंगे। ठीक है, ये क्लास ट्रिपल सी एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो बच्चे हमारे यूपीपीसीएल टीजी टू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक, रेलवे या जहां पर भी कंप्यूटर आता है, ठीक है, तो उन सभी के लिए भी क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को समय पर मिलता रहे। और आप सभी को बता दें कि हमारा परिवार बहुत ही जल्द 50,000 के करीब पहुंचने वाला है, यानी कि हम सभी 50,000 का आंकड़ा छूने वाले हैं, तो इसमें आप सभी लोग सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जल्द से जल्द हम इस आंकड़े को क्रॉस कर पाएं। ओके, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और इससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए यहां पर आपसे पूछा है मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है। तो यहां पर कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखना है ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑल ऑफ दीजिए सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। और अब आपसे पूछा है लिनक्स कर्नेल का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है लिनक्स कर्नेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना लिनक्स टॉरवाल्ड, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बताना है, लिनक्स एक है मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग है, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग है, सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग है या इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिनक्स एक मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग है, तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे क्या पूछा है, कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों या इसमें से कोई नहीं, तो कंप्यूटर सिस्टम क्या शामिल करता है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर सी ऑप्शन है दोनों, है ना, कंप्यूटर सिस्टम में दोनों होते हैं, हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है, क्योंकि कोई भी हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं करेगा और सॉफ्टवेयर जो होगा वो बिना हार्डवेयर के भी काम नहीं करेगा, उसके लिए भी कोई ना कोई हार्डवेयर चाहिए, है ना। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों, कंप्यूटर सिस्टम जो बनता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिलने से ही बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्न में सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है, अब आपको क्या बताना है कि इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। और हमने आपसे कहा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो केवल सिस्टम के काम के लिए होता है, यानी कि सिस्टम के वर्क के लिए होता है, उसे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। तो यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, लोडर दिया है, लिंकर दिया है और ऑल ऑफ दीज कौन सा है राइट आंसर। तो ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है, किसी कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो निम्न काम करता है, कौन कौन से कार्य करता है, डिस्क एवं फाइल को मैनेज करता है, कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है, कंप्यूटर मेमोरी को मैनेज करता है और ऑल ऑफ दीज। तो बताइए यहां पर आपका सही जवाब क्या है। तो बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी ये सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, किसी भी कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिस्क एवं फाइल को भी मैनेज करेगा, कंप्यूटर रिसोर्स को भी मैनेज करेगा और कंप्यूटर मेमोरी को भी मैनेज करेगा, यानी कि सारे काम करता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा यहां पर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है आपसे उबंटू एक एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं होती है, उबंटू को एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं होती है, क्या यह सही है। तो बिल्कुल सही है, यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट होगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग डैश में होता है,
एटीएम कार्ड में होता है, स्मार्ट कार्ड में होता है, कंप्यूटर सिस्टम में होता है या माइक्रोवेव ओवन में होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग इसमें से कहाँ होता है? जो बच्चे आ चुके हैं लाइव, भाई सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट्स और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर दिया करो और क्लास को लाइक भी कर दिया करो सभी साथी जो भी लाइव देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम। अगला क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर के ऑन होने पर सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को कहते हैं। जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो जो आइकन आपको दिखते हैं वो कहां पर दिखते हैं, कौन सी स्क्रीन पर दिखते हैं, ये आपको आंसर करना है। तो सही जवाब बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, यहां पे क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका। ठीक है, डेस्कटॉप पर जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो आइकन होते हैं वो आपको डेस्कटॉप पर नजर आते हैं, यानी कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है ना सामने, उसे कहते हैं डेस्कटॉप, और वहीं पर आपको जो कंप्यूटर के आइकन होते हैं वो आपको नजर आते हैं जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है, बिना माउस के आप किसी विंडोज पर कार्य नहीं कर सकते हैं। बताइए, बिना माउस के आप किसी विंडोज पर कार्य नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर सही आंसर करना है कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फाल्स, क्योंकि आप बिना माउस के भी विंडोज पर काम कर सकते हैं, इसलिए इसे आप फाल्स करेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है, विंडोज को चलाने से पहले एमएस डॉस को लोड करना आवश्यक है। ठीक है, बताइए, विंडोज को चलाने से पहले एमएस डॉस को लोड करना आवश्यक है, ट्रू है या फॉल्स है? तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन यहां पे करेक्ट जाएगा, विंडोज को चलाने से पहले एमएस डॉस को लोड करना आवश्यक है, यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू है कि फॉल्स? विंडोज सॉरी लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा होगा यहां पे राइट आंसर? तो पहला ऑप्शन यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल करेक्ट है, सही है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछा है, विंडोज ओएस से प्रिंटर को हटाने के लिए डेस्कटॉप से इसके आइकन को हटाना पड़ता है। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रिंटर को हटाना चाहते हैं तो आपको डेस्कटॉप से इसके आइकन को हटाना पड़ेगा, क्या ये सही है? तो ये हो जाएगा फॉल्स, बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप विंडोज में प्रिंटर को हटाना चाहते हैं तो फिर आपको कंट्रोल पैनल में जाके उसको वहां से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके ड्राइवर को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आप अगर डेस्कटॉप पर जाकर के उसके आइकन को डिलीट कर देंगे तो आपका जो प्रिंटर होगा वो नहीं हटेगा, यानी कि वो अभी भी इंस्टॉल रहेगा। ठीक है, तो अगर आप प्रिंटर को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में जाके। तो यहां पर इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा है, दूसरा सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको आंसर करना है, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? देखो यहां पे पूछा है, दूसरा सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो यहां पर सही जवाब बी ऑप्शन है, मैक ओएस। ठीक है, ध्यान रखना है, और पहला सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज है, ध्यान रखना है, विंडोज है पहला, और अगर सेकेंड नंबर पे है तो कौन सा है, मैक ओएस है। चलिए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब निर्मित किया गया, आपको बताना है यहां पे कौन सा सही जवाब है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कब निर्मित किया गया, तो यहां पे सही जवाब करना है कमेंट बॉक्स में आपका क्या हो जाएगा। तो यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1991 में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, एप्पल का आईफोन ओएस मूल रूप से अपने आईफोन उपकरणों पर उपयोग के लिए विकसित किया गया था, ट्रू है कि फॉल्स? बताइए, एप्पल का जो आईफोन ओएस था वो मूल रूप से आईफोन उपकरणों पर उपयोग के लिए विकसित किया गया था, सही जवाब करना है आपको, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका ट्रू हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, स्पूलिंग, बफरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग या इसमें से कोई नहीं? तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका, मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत दो या दो से अधिक टर्मिनल प्रयुक्त होते हैं? किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत दो या दो से अधिक टर्मिनल प्रयुक्त होते हैं? मल्टी यूजर, रियल टाइम, मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मल्टी यूजर हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मल्टी यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? और ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? फटाफट से आप लोग आंसर भेजो, क्या हो जाएगा राइट आंसर? और यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यूनिक्स, ठीक है, ध्यान रखना है। सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स, ऑप्शन नंबर बी। यूनिक्स में फाइल या डायरेक्टरी को रिनेम करने के लिए कौन सी कमांड देते हैं, बताइए? यहां पर पूछा है लिनक्स में, लिनक्स में फाइल या डायरेक्टरी को रिनेम करने के लिए कौन सी कमांड देते हैं? तो अब आपको यहां पे बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लिनक्स में फाइल या डायरेक्टरी को रिनेम करना चाहते हैं, ध्यान रखना है, रिनेम करना चाहते हैं, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा एमवी, ठीक है, एम और वी कमांड देनी पड़ती है। तो पहला ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला, रेड हैट एक लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो रेड हैट है वो एक लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या इसका जवाब ट्रू है या फॉल्स है? चलो 21 का आप लोग आंसर बताओ, इसमें से कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा? और ये बिल्कुल करेक्ट है, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। रेड हैट एक लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, लिनक्स में नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? अगर आप लिनक्स में एक नई डायरेक्टरी बनाते हैं तो आप किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? तो अगर आप लिनक्स में एक नई डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, इसके लिए आपको यहां पर पहला ऑप्शन हो जाएगा, आप mkdir कमांड का इस्तेमाल करेंगे। mkdir ऑप्शन पहला आपका राइट है। लिनक्स में कितने प्रकार के यूजर इंटरफेस होते हैं आपको बताना है? लिनक्स में कितने प्रकार के यूजर इंटरफेस होते हैं, एक, दो, तीन या चार? तो यहां पर दो प्रकार के होते हैं, एक आपका कमांड लाइन इंटरफेस होता है और एक आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो लिनक्स में आपके दो प्रकार के इंटरफेस होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर है, और अब यहां पे पूछा है, लिनक्स में करंट डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल होता है? अगर आप करंट डायरेक्टरी को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप कौन सी कमांड का इस्तेमाल करेंगे, बताइए? और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा क्लास आप ध्यान से करना, ठीक है। और जो बच्चे लेट आए हैं या फिर क्लास देर से उन्होंने ज्वाइन की है, तो आप इसको दोबारा जरूर देखें, क्योंकि ये पूरा सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज जितने भी क्लास आपको मिले वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हो जाएगा सी डी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लिनक्स में करंट डायरेक्टरी को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप सी डी कमांड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, लिनक्स में फाइल परमिशन को बदलने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल होता है? अगर आप फाइल परमिशन को बदलना चाहते हैं तो कौन सी कमांड आप देंगे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी एच मोड, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में कौन लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है? अब इसमें से कौन कौन ऐसे हैं जो लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन हैं, आपको ये बताना है, उबंटू, फेडोरा, लिनक्स मिंट या अलोफ्तीज? तो कौन सा हो जाएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर? तो यहां पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अलोफ्तीज, ध्यान रखना है, अलोफ्तीज आपका राइट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर है, और पूछा है, लिनक्स में यदि आप एक अलग यूजर पर स्विच करना चाहते हैं तो फिर निम्न में से कौन सी कमांड का प्रयोग करेंगे? अगर आप लिनक्स में एक अलग यूजर यानी कि दूसरे यूजर पर आप स्विच करना चाहते हैं तो फिर कौन सी कमांड आप देंगे? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस यू, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अब इसमें से क्या ढूंढना है कि इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? विंडोज, लिनक्स, ओरेकल और डॉस, इसमें से ढूंढना यह है कि इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है।
तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, ओरेकल ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी विंडोज लिनक्स और डॉस ये सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है फैट का पूरा नाम क्या होता है, बताइए फैट का फुल फॉर्म पूछा है। ध्यान रखना है भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल जो कि ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार आया है क्वेश्चन, तो आप इसे ध्यान रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है निम्न में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है, तो आपको क्या बताना है कि कौन से विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है, विंडोज 7 या फिर 8 या फिर एक्सपी या फिर इसमें से कोई नहीं, तो किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होता है, तो यहां पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा विंडोज 8, है ना, विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता है। और आज की क्लास बस यहीं तक, उम्मीद करता हूं क्लास सभी को पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना शेयर करना और जो साथी चैनल पर नहीं हो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। और आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ और जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको वहां पर मिलते रहते हैं, ठीक है। और किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है कोई भी सुझाव है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी यहां पर आपको दी गई है, ठीक है, और ये मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी info.CCCYFIST@gmail.com, कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।